खेसारी लाल बिहार छोड़ रहे हैं इसी दुख की वजह से। अगर आप खेसारी लाल के फैन हो, चाहे आप पवन सिंह भाई के फैन हो, इस वक्त बात है कुछ मुद्दे की। सुपरस्टार को टारगेट करते हैं फेक आईडीज बना के, जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती भाई, परछाई होते हैं ना, जो परछाई जब रोशनी आती है तो वो ऐसे बंदे गायब हो जाते हैं। वो बंदे धमकियाँ दे रहे हैं भाई सुपरस्टार खेसारी लाल को। सो हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया मस्त चौकस एकदम आपके भाई की तरह। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा और भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर बवाल मचा हुआ है और आज मैं बैठा हूँ जानने को कि भाई असल में क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ जातिवाद को लेकर रौला चल रहा है जिसपे खेसारी लाल और पवन सिंह भाई भी बोले थे। और हाल फिलहाल खेसारी लाल भाई का एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें लिखा है खेसारी लाल यादव को मिली धमकी, सुरक्षा की गुहार, और भाई देखते हैं क्या सीन हुआ है खेसारी लाल भाई के साथ। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा, सुनते हैं बातचीत। खेसारी जी, ये कब संज्ञान में आया वीडियो आपको, कब आपके किसी समर्थक ने दिखाया होगा, बताया होगा, क्या कुछ मोटे तौर पर वो बोल रहा है जो हम एक नेशनल चैनल पर बता सकते हैं? देखिए, मैं आज 2 साल से परेशान हूँ। ये भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ ये लोग बातें करते हैं लेकिन के मुंह में ही अश्लील है। ये जब से सोशल, देखिए शायद शुरू जब से यूट्यूब पैसा देना शुरू किया है ना इन यूट्यूबरों को, तब से अच्छे गानों को भी इनको गलत साबित कर देना है, उसको दूसरा रूप देकर और उसको गलत साबित कर देना है। और भाई हाँ, बात तो भाई की सही है, मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो भाई कोई भी अच्छा गाना हो या बुरा हो उसको अश्लीलता में दिखा देते हैं और भाई हर गाने का गलत मतलब निकाल देते हैं, और बढ़ा चढ़ा के गाली गलौज, माता बहन बेटी, मुझे छक्का से लेकर क्या क्या नहीं इन लोगों ने बोला। 2 साल से सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था, ये सिर्फ मुझे बोल रहे थे तो मैं चलो ठीक है यार, उनकी अपनी राय है और मैं किसका किसका जवाब देता फिर तू। लेकिन इन्होंने परसों के रखा, कल परसों के रात में मेरी बेटी को और मेरे वाइफ को, मेरी माँ को इन्होंने रेप करने की धमकी दी। ओहो, क्या बात है यार, लिटरली लोगों का मानसिक संतुलन जो हिला हुआ है भाई। इतना बड़ा सुपरस्टार है यार, इतना भोजपुरी के लिए वो बंदा कर रहा है और कैसी घिनौनी धमकी दे रहे हो यार आप लोग। कर दूंगा ये, कर तू किसी की भी बेटी है और देखिए, नहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मुझे लगता है कि एक बेटी के लिए उसका पिता हीरो होता है। जी बिल्कुल। और मैं इतना पैसे, ठीक है मैं इतना काम, इतना पैसा, इतना शोहरत कमा के ही क्या करूंगा सर, जब हमारी बेटियों को गाली खुलेआम दी जाएगी। हाँ हाँ। और सोशल मीडिया पे पर्सनली आप मुझे कुछ बोलते हैं या पर्सनली आप मेरे से बात करके बोलते हैं तो समझ में आता है। हाँ। लेकिन आप सोशल साइट पे लाइव आकर किसी के भी माँ बहन बेटी, कौन बोला था यार आपको, बताओ मेरे को, कमेंट करना अगर आप खेसारी लाल के फैन हो, चाहे आप पवन सिंह भाई के फैन हो, इस वक्त बात है कुछ मुद्दे की। कौन बंदा भाई को ऐसे धमकी दिया था बोलो मेरे को, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा पक्का और ऐसा रेलूंगा ना याद रखेगा। नहीं, इसमें जाति की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। किसी भी कोई भी इंसान, सबकी अपनी सम्मान है, जो दो रोटी खाता है उसका भी अपना इज्जत है। लेकिन आप अश्लीलता के खिलाफ मुहिम चला रहे हो, चलाओ, लेकिन कम से कम अपनी जुबान अच्छे दो बातें बोल के चलाओ। किसी को गाली देकर आप किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते। और अश्लीलता में मेरी माँ बहन बेटी कहाँ से आती है, मेरे समझ में नहीं आता है। ये खेसारी जी, कुछ ये जो शख्स धमकी दे रहा है, इस तरह की उलझुल बातें कर रहा है, क्या कभी इसकी आपसे मुलाकात हुई, कभी आपको फोन किया, आपको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, आप जान पा रहे हैं कौन है ये? देखिए मैं इनको सोशल मीडिया के हैंडल से ही देखा करता हूँ, कभी कभी इनका आता है मेरे खिलाफ जो जहर उगलते हैं तो कभी कभी आदमी देख लेता है ना। कभी इनकी परछाइयों को भी नहीं जानता मैं, ना इनका घर जानता हूँ, ना इनका नंबर मेरे पास है। जो घोस्ट लोग होते हैं, घोस्ट मतलब फेक आईडीज बनाकर कुछ अश्लीलता के बारे में कुछ भी जो भी बोलते हैं और सुपरस्टार को टारगेट करते हैं फेक आईडीज बना के, जिनकी खुद की कोई पहचान नहीं होती भाई, परछाई होते हैं ना, जो परछाई जब रोशनी आती है तो वो ऐसे बंदे गायब हो जाते हैं। वो बंदे धमकियां दे रहे हैं भाई सुपरस्टार खेसारी लाल को यार, लिटरली जमाना देख लो क्या आ गया। कभी कोई इनसे लेना देना मेरा नहीं है, और ये गया के रहने वाले हैं कि पता कहाँ, हाँ गया के ही कहीं किसी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, मेरे कहने का मतलब सच पूछिए तो भाई जी, ये भोजपुरी मात्र 5 साल से अश्लीलता में फैली है। जब से ये यूट्यूबर पैदा हुए हैं, अपने आप को न्यूज रिपोर्टर बताते हैं ये लोग। बीच में मैंने एक लाइव में आकर बोल दिया था, ऐसे ही लोगों के बारे में मैं बोला था, लेकिन इन लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ा कर पूरे सोशल मीडिया पे और पूरे मीडिया लाइन को डाल दिया कि पूरे मीडिया को खेसारी बोल रहे हैं। फेक जो यूट्यूबर्स हैं उनको टारगेट बनाया और उसको इन लोगों ने गलत तरीके से,
मैं अच्छा गाना भी गाता हूँ सर, तो ये लोग उसको गलत तरीका देकर गलत रूप निकाल कर हाँ। अब आज मैंने एक गाना गाया था कि चाची तौर बाची सपनवा में आती है, राइट हाँ हाँ। तो ये बताइए, मैं अपने माँ को भी माँ बोलता हूँ, अपने सासू माँ को भी माँ ही बोलता हूँ हाँ हाँ। okay. अपने माँ को भी माँ बोलता हूँ, अपने सासू माँ को भी सासू माँ नहीं बोलता, माँ ही बोलता, माँ ही बोलते हैं जी। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बीवी मेरी बहन हो गई, बात वहाँ है कि चाची हमारे यहाँ बोलते हैं कि हाँ किसी की गर्लफ्रेंड है या चीजें है, तो वो उसके लिए गा रहा है कि तुम हर बोलता है, हर पांच घर दस घर बाद किसी अलग गांव की लड़की हो तो उसकी भी माँ को कोई चाची ही बोलता है। अब इन लोगों ने उसको गलत रूप देकर और 25 तरीके से लोगों को प्रेजेंट करके और लोगों की नजर में मुझे गलत साबित कर रही बात है भाई। जैसे किसी के लिए 9 होता है और किसी के लिए देखने में 6 होता है, वैसे ही कोई बंदा ने 6 बनाया और उसको 9 बनाने में ये पूरा रोल अदा करते हैं जो छपरी यूट्यूबर, इनको मैं बोलूँगा। बात बिल्कुल सही है। मैं अगर इस खबर के दो पहलू देखता हूँ, एक पहलू होता है, एक पहलू होता है कानूनी, वो आपको धमकी दे रहा है, आपके परिवार के ऊपर लांछन लगा रहा है और बड़ी धमकी वो दे रहा है जो कि आईटी एक्ट के तहत एक तरह से कहें कि मामला बनता है। आज भी आपने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई, आपने बिहार की पुलिस से कहा कि मेरी मदद कीजिए। दूसरा मामला काफी बड़ा है का तो बनता ही है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर पुलिस की मदद की बात करें, आपके ट्वीट के बाद आपको कोई सुरक्षा मिली, क्या आपको आश्वासन मिला कि इस व्यक्ति को हम गिरफ्तार करेंगे? जी सच पूछिए तो मैंने डीजीपी सर को, डीआईजी सर को मैं कल ही सब कुछ दे चुका हूँ, मैंने बयान भी दे दी है, मैंने वीडियो भी डाला, उनको शेयर किया, अभी तक उनका रिप्लाई ना ओके में आया है, ना हाई में आया है, ना हेलो में आया। ये पटना के डीआईजी की बात, पटना रेंज के डीआईजी की बात कर रहे हैं? सिंगल साहब को, सिंगल जी हैं, नहीं जानता, ठीक है, सिंगल के सिंगल जी हैं। कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, कोई रिप्लाई अभी बिहार सरकार की तरफ से नहीं आई है, और ना ही उन लोगों को कुछ शायद कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने डीआईजी से लेकर हर आदमी को, मैंने संजय झा जी को टेस्ट किया है, अच्छा, गिरिराज सिंह जी को टेस्ट किया है, नीतीश कुमार जी को टेस्ट किया है, लेकिन कोई मेरे मेरी कहीं से कोई अभी तक नहीं सुनी गई है। नहीं, मैं और भाई इतने बड़े सुपरस्टार हैं खेसारी लाल, फिर भी इनकी सुनी नहीं जा रही, और बिहार में जो आम इंसान है उसके साथ क्या होता होगा भाई यार, आप ही बताओ मेरे को। क्योंकि हमारे पंजाब में तो ना, जो पंजाबियों की मेंटालिटी, अगर कुछ हो जाए तो खटिया खड़ी कर देते हैं भाई, आप लोग जानते होंगे, और मेरे को नहीं पता बिहार के लोगों का नेचर एक्चुअल में कैसा होता है, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं ज़्यादा लोगों से, और इतने बड़े सुपरस्टार को अगर कोई ऐसे खुले में धमकी देगा और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है तो भाई क्या ही बोलूं। बिल्कुल, मैं खेसारी जी समझ रहा हूँ कि आप जैसे एक व्यक्ति को जिसने भोजपुरी को एक नए अंजाम, एक नए आयाम तक पहुंचाया अपनी कलाकारी के जरिए, अपनी गायकी के जरिए, आप देश में विदेश में खूब सुने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, लेकिन एक चीज़ प्लीज़ मेरे को इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ना मैं आपको कोई सलाह दे रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि अगर मेरे परिवार के ऊपर कोई इस तरह से करेगा तो मैं बिल्कुल इसको सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ज़रूर रखूंगा बात, लेकिन साथ ही साथ अपने निकट के थाने में जाऊंगा, एक आवेदन दूंगा और उस आवेदन की कॉपी दूंगा, FIR करूंगा, FIR कृष्णापुरी थाने में हो गया है, मैं अपने लड़कों को भेजा हूं, FIR। इनडायरेक्टली ये रिपोर्टर ये पूछना चाह रहा है कि आपने FIR करवाई क्यों नहीं? मैदान भेजा, हाँ, गांधी मैदान मैंने अपने लड़कों को भेजा, तो वहाँ उन्होंने FIR करने से मना कर दिया, बोले कि ये मामला चला गया, हाँ मामला चला गया है CM के पास, तो वो लोग अब ऊपर से करवाई हो रही है सर, तो हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं? हम कहने की भाई आप मदद करो या ना करो, FIR तो ले सकते हो। अरे बिल्कुल नहीं नहीं, FIR करनी चाहिए उनको, वो मना कर रहे हैं। अच्छा, गांधीनगर में गए, उन्होंने मना किया सडनली मना किया मेरे लड़कों को, हाँ, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो मुद्दा चला गया है CM ऑफिस में, वहाँ से लेटर ये हो रहा है, सभी लोग मिले हुए हैं, आप तो FIR करो, ठीक है। तो उन्होंने भी गांधी मैदान थाना में नहीं किया, कृष्णापुरी वाले भेजा हूँ अभी मैं। अच्छा, SKपुरी में भेजे हैं आप? SKपुरी वाले थाने में भेजे हैं अभी? हाँ, SKपुरी वाले में भेजा हूँ, अभी गया भेज रहा हूँ बच्चों को, वो गया से जाके करेंगे, क्योंकि वहाँ के SSP का कौर जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोली कि आप एक FIR डाल दिए तभी हम करवाई कर पाएंगे। हम वही मैं कह रहा था, प्रशासन आपका प्रशासन मुझे खुद ही बोल रहा है कि FIR नहीं लेंगे हम, ये मैं तुम मुद्दा चला गया है CM ऑफिस में, हम FIR कैसे ले सकते हैं? हम कहीं किए कौन सा तरीका हुआ? अच्छा। मैंने तो उनको ट्वीट किया है, मैंने उनको आवेदन दिया है, लेकिन आप तो FIR करोगे ना, तो उन्होंने सडनली मना कर दिया। ओके, नहीं ये तो बिल्कुल आप बहुत ही ऐसी बात बता रहे हैं जो यकीन नहीं हो रही। मुझे लगता है कि बिहार के नहीं, मुझे लगता है कि मैं बिहार का बेटा नहीं हूं, और मेरी फैमिली बिहार की फैमिली नहीं है, मेरी बेटी बेटी नहीं, और
इसी बात को बोलकर आई थिंक सो काफ़ी लोगों ने चर्चित किया था कि खेसारी लाल बिहार छोड़ रहे हैं इसी दुख की वजह से। मेरी माँ माँ नहीं है, मेरी वाइफ एक औरत नहीं है। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी इस बात को खेसारी जी, और जाहिर तौर पर आपका दुख बिल्कुल बनता है। बिहार की हर एक जनता, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या फिर एक मामूली इंसान हो, उसको यह हक है, उसको अधिकार है कि उसके खिलाफ अगर कुछ होता है, उसके परिवार को धमकी दी जाती है, तो पुलिस थाने में उसके आवेदन पर FIR दर्ज होनी चाहिए तुरंत। और ऐसा नहीं हो रहा है, नहीं ले रहे हैं सर। पता नहीं अब उन लोगों पे किसका छतर खाया है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप पता नहीं नीतीश कुमार जी क्या समझते हैं मेरे को, और मेरे को शायद बिहार के नागरिक नहीं समझते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सर्च होता है एक छोटा सा गांव का लड़का, और अपने बिहार को, अपने भाषा को प्रेजेंट कर रहा है। पूरे विश्व में तीन नंबर पे खेसारी सर्च होता है। खेसारी लाल भाई ट्रेंडिंग तीन पे वर्ल्ड पे सर्च होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले आर्टिस्ट हैं, जो उनमें से खेसारी लाल तीसरे नंबर पे। और भाई फिर भी खेसारी लाल भाई को ऐसी थ्रेट्स मिल रही हैं और बिहार उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा यार, लिटरली। इतने सिंगरों के बाद, इतने सारे एक्टरों के बाद पूरे इंडिया में दो नंबर पर सर्च होता है एक बिहार का छोटा सा बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में मेरी क्षमता क्या है और बिहार में अवकाश पता नहीं मेरी क्या। नहीं खेसारी जी, बिल्कुल मैं जी बिहार झारखंड की तरफ से कम आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। सुबह से ही लगातार जो खबर है उसको खबर के तरीके से हम रख रहे हैं, और हमने इसी संबंध में आपसे संपर्क भी किया और आपने समय निकालकर हमसे बात भी की। इस मन से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या मांग रखना चाहते हैं? मैं अपील यही करना चाहता हूं कि देखिए समाज के आईना है। ओके सो भाई ये मैटर था खेसारी लाल भाई का, और भाई लिटरली मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी ये मामला सुलझ जाए और भाई अपनी आर्टिस्ट जोन में रहें, क्योंकि यार आर्टिस्ट के साथ जब भी कुछ ऐसा होता है, ऐसी थ्रेट मिलती है, तो उसकी जो क्रिएटिविटी लेवल होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और इतने गाने आ रहे हैं यार इस बंदे के, हर दिन गाना आ रहा है, हर दिन गाना आ रहा है। अब बंदा ऐसी सिचुएशन में कैसे गाने बना पाएगा, कैसे आपको अच्छा म्यूजिक दे पाएगा? सो आप भी समझदार हो भाई के, सपोर्ट करो। मुझे भी लगा यार, वैसे मैं ज़्यादा वीडियो पवन सिंह पे बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने पहली बार खेसारी लाल भाई पे वीडियो बनाई है। सो आप लोग शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द।